बंगाली पुनर्जागरण की शुरुआत करने वाले अग्रणी संस्थानों में से एक जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन, जो अब स्कॉटिश चर्च कॉलेज के नाम से जाना जाता है, की स्थापना आज ही के दिन 1830 में अलेक्जेंडर डफ और राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की थी। आज ही के दिन सन 1878 में यूरोपीय शक्तियों ने बर्लिन की संधि पर हस्ताक्षर किए और बालकन के नक्शे को फिर से तैयार किया। सर्बिया, मोंटेनेग्रो और रोमानिया पूरी तरह से तुर्क साम्राज्य से स्वतंत्र हुए। सन 1923 में आज ही के दिन मशहूर हॉलीवुड साइन आधिकारिक तौर पर हॉलीवुड लॉस एंजिल्स के पहाड़ियों पर लगाया गया। शुरू में इसे हॉलीवुड लैंड लिखा गया था, बाद में 1949 में आखिरी चार अक्षर हटाए गए। माउंट हिल्स के पास की जमीन की कीमतों को बढ़ाने के लिए प्रचार के मकसद से इसे लगाया गया था। सन 1929 में आज ही के दिन क्रांतिकारी जतींद्रनाथ दास ने अपनी ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू की, जिसके कारण 63 दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। सन 1974 में आज ही के दिन भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच इंग्लैंड के खिलाफ हेडिंगले में खेला था, जिसमें पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 53.5 ओवर में 265 रन बनाए और इंग्लैंड ने 51.1 ओवर में 6 विकेट खोकर आसानी से जीत हासिल की। सन 1977 में आज ही के दिन सोमालिया ने इथियोपिया पर आक्रमण किया, जिससे ओगादेन युद्ध शुरू हुआ। आज के ही दिन सन 2011 में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में झवेरी बाजार, ओपेरा हाउस और दादर में हुए 3 बम विस्फोट में 26 लोग मारे गए और 130 से अधिक लोग घायल हुए।